बसमीम आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है नेस्टेड लूप इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर तीन टाइप्स की लूप्स पढ़ी हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने वाइल लूप देखी थी उसके बाद डू लूप और एंड पे हम लोगों ने फॉर लूप कवर की थी अब चैप्टर नंबर फाइव के अंदर हम लोगों ने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर पढ़ा था अब अगर चैप्टर नंबर फाइव के हिसाब से देखा जाए तो अगर एक इफ़ के अंदर आप दूसरी इफ लिख देते हैं तो हम इसे नेस्टेड इफ कहते हैं इसी तरह यहाँ पर अगर आप एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिख देते हैं तो इसे हम नेस्टेड लूप जो है वो कह देते हैं अब नेस्टेड लूप की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपने दो लूप्स को ही आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन किया है यानी एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिखी है बल्कि आप जितनी चाहें लूप्स एक दूसरे के अंदर लिख सकते हैं तो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है अ लूप अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप इन नेस्टेड लूप्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप अब जो इनर लूप होती है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होती है अपनी एग्जीक्यूशन कॉम्पलीट करती है फिर आउटर लूप जो है उसका काउंटर वेरिएबल इंक्रीज करता है और जितनी दफा आउटर लूप का काउंटर वेरिएबल इंक्रीज करता है उतनी दफा इनर लूप जो है वो शुरू से एंड तक दोबारा अपने आप को एग्जीक्यूट करती है द नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल आप जितनी चाहें उतनी लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर नेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर लिख सकते हैं द इंक्रीज इन नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्पलेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड लूप आप जितनी लूप्स को एक दूसरे के अंदर लिखते जाएंगे उतना आपका प्रोग्राम जो जा है वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा एनी लूप कैन बी यूज एज अ इनर लूप ऑफ एन अदर लूप लाजमी नहीं है कि आपने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप ही लिखनी है आप चाहें तो फॉर लूप के अंदर वाई लूप भी लिख सकते हैं या उसके अंदर डू वाई लूप भी लिख सकते हैं इसी तरह ये तीनों लूप जो है वो आप एक दूसरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल लुप कैन भी यूज एजटर लूप एंड लुप कैन भीजर लूप इनस्टर लुप के अंदर आप वाइल लुप को जो है इस्तेमाल कर लें और फॉर लुप को आप इनर लुप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब जहां तक ये थ्यूरी का ताल्लुक है तब तक तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी जब तक हम एक एग्जाम्पल जो है वो इसकी नहीं करेंगे तो मैंने पहले आप लोगों की बुक का प्रोग्राम जो है वो नहीं स्टार्ट करूंगा बल्कि मैंने यहाँ पर एक खुद सिम्पल सा प्रोग्राम लिखा है पहले हम से स्टार्ट करते हैं तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम है और इसमें सिंपल सा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो लूप्स लिखी हुई हैं पहली है मेरी एक फॉर लूप और दूसरी भी फॉर लूप ही है मैंने इसे सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों फॉर लूप्स ही इस्तेमाल किए हैं वैसे भी प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादातर जब भी आपने नेस्टेड फॉर्म के अंदर लूप्स लिखनी होती है तो हमेशा कोशिश की जाती है कि उन्हें फॉर लूप की सूरत में ही लिखा जाए क्योंकि इन्हें समझने में आसानी होती है तो सबसे पहले हमारे पास ये एक आउटर फॉर लूप है इसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आई बनाया उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो मैंने वन प्रोवाइड की है उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी है आई लेस देन इक्वल टू टू और साथ ही जो है मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर इसका मतलब है कि इस लूप की टोटल आइट्रेशन दो हैं पहली दफ़ा कंडीशन तब ट्रू होगी जब आई की वैल्यू वन होगी दूसरी दफ़ा कंडीशन तब ट्रू होगी जब आई की वैल्यू टू होगी और जब आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी कि हमारी जो आउटर लूप है इसकी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो हैं वो टू हैं अब आ जाते हैं इनर लूप के अंदर ये हमारी आउटर लूप है ये इसकी बॉडी है ये दो करली ब्रैकेट्स अब इन दो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोगों ने फर्दर एक नई लूप लिखी हुई है जिसे हम इनर लूप का नाम दे रहे हैं अब ये इनर लूप जो है वो हमारे पास इंट जे के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है एक इंटीजर वेरिएबल जे उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने वन प्रोवाइड की है इसकी कंडीशन मैंने लिखी है जे लेस देन इक्वल टू तो थ्री यानी जब तक जे की वैल्यू तीन या तीन से कम रहती है तब तक ये लूप जो है वो अपने आप को आइट्रेट करेगी और साथ ही मैंने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया जे की वैल्यू को इनक्रीज करने के लिए तो ये जो इनर लूप है इसकी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो हैं वो 3 है वो थ्री हैं यानी पहली दफा ये लूप तब आइट्रेट करेगी जब जे की वैल्यू वन है दूसरी दफा तब आइट्रेशन प्रोवाइड करेगी जब जे की वैल्यू हमारे पास टू होगी और थर्ड टाइम हमारे पास तब आइट्रेशन प्रोवाइड करेगी जब हमारे पास जे की वैल्यू थ्री है और जैसे ही हमारे पास जे की वैल्यू फोर होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी अब हमारे पास जो आउटर लूप है उसकी टू आइट्रेशन है जो इनर लूप है हमारे पास इसकी तीन आइट्रेशन है अब ये दोनों लूप जो हैं वो एक साथ किस तरह से काम करेंगी अलबत् जो इनर लूप है इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा सी आउट मैसेज लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा है आउटर और आउटर के साथ आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो लिख दिया ताकि आपको पता चलता जाए कि आउटर लूप की कौन सी आइट्रेशन चल रही है इसी तरह इनर के साथ जो है इनर लूप का वेरिएबल लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इनर लूप की कौन सी आइट्रेशन है यहां पर आउटर के अगेंस्ट जो भी नंबर डिस्प्ले होगा वो आउटर लूप की आइट्रेशन होगी इनर के अगेंस्ट जो भी नंबर डिस्प्ले होगा वो इनर लूप की आइट्रेशन है अब टोटल हमारे पास आइट्रेशन जो आउटर लूप है उसकी टू है इनर लूप जो है उसकी हमारे पास आइट्रेशन थ्री हैं मैंने अभी बताया कि नेस्टेड लूप के अंदर पहले जो है वो इनर लूप एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होगी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी ठीक है पहली तीन आइट्रेशन जो है वो इनर लूप की कंप्लीट होंगी इनर लूप अपनी तीन आइट्रेशन कंप्लीट करेगी और फिर उसके बाद हमारे पास आउटर लूप जो है इसकी आइट्रेशन जो है वो सेकेंड स्टार्ट होगी फर्स्ट आइट्रेशन में इनर लूप की पहली तीन आइट्रेशन कंप्लीट होंगी उसके बाद आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी और जब आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी तो इनर लूप दोबारा से अपने आप को तीन दफा जो है वो आइट्रेट करेगी मैं फिर दोबारा एक दफा समझाता हूं कि आउटर लूप की पहली आइट्रेशन स्टार्ट होगी कंडीशन ट्रू हुई कंट्रोल अंदर एंटर हुआ बॉडी के अंदर अब जैसे ही कंट्रोल अंदर एंटर हुआ यहां पर हमारे पास फिर दोबारा से एक लूप मौजूद है ये लूप अपने आप को तीन दफा आइट्रेट करेगी आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में इनर लूप जो है वो तीन दफा अपने आप को आइट्रेट करेगी इनर लूप की आइट्रेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगी कंट्रोल फिर दोबारा से मूव करेगा बॉडी के अंदर और जब कंट्रोल दोबारा से मूव करेगा इनर लूप जो है वो फिर दोबारा से अपने आप को एक दफा आइट्रेट करेगी और इनर लूप फिर दोबारा से तीन दफा जो है वो रन करेगी जब इनर लूप तीन दफा रन करेगी उसके बाद इसकी आइट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी कंट्रोल फिर दोबारा से आउटर लूप के पास जाएगा और इस दफा आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में दोनों लूप्स में वो अपनी आइट्रेशन कंप्लीट कर देंगी अब इसे मैं रन करके चेक करवाता हूँ फिर आप लोगों को समझ आएगी इसे कंपाइल कर लेते हैं पहले उसके बाद हम हम इसे प्ले करते हैं आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन इनर लूप की फर्स्ट इटरेशन, आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन, इनर लूप की सेकेंड इटरेशन, आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन, इनर लूप की थर्ड इटरेशन। अब मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन करता हूं जैसे ही हमारा कंट्रोल फर्स्ट लूप के पास आएगा कंडीशन ट्रू हुई कंट्रोल अंदर मूव कर गया उसकी बॉडी के अंदर अंदर हमारे पास एक और लूप मौजूद थी अब कंडीशन इसकी चेक की गई कंडीशन ट्रू हुई हमारे पास जो है ये इनर लूप जो है वो तीन दफ़ा आइट्रेट करेगी जबकि आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन ही चल रही है पहली तीन दफा आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनर लूप की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि इनर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन इनर लूप की सेकेंड आइट्रेशन इनर लूप की थर्ड आइट्रेशन इनर लूप जो है वो अपनी तीन आइट्रेशन कम्प्लीट कर लेगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा अब दोबारा कंट्रोल जो है आउटर लूप के पास जाएगा आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट होगी कंट्रोल दोबारा से बॉडी के अंदर मूव करेगा जो इनर लूप है वो फिर दोबारा से अपने आप को एक दफ़ा रीसेट करेगी और दोबारा से अपनी हाइट्रेशन जो है वो स्टार्ट करेगी इस दफा वो दोबारा जो है अपनी तीन हाइट्रेशन कम्प्लीट करेगी लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि आउटर लूप की ये सेकेंड आइट्रेशन है आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन है इनर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन आउटर लूप की सेकेंड आइट्रेशन और इनर लूप की भी सेकेंड आइट्रेशन और फिर दोबारा हमारे पास आउटर लूप की लुपेंड आइट्रेशन और इनर लूप की थर्ड आइट्रेशन यानी आउटर लूप की जितनी आइट्रेशन होंगी उतनी दफा इनर लूप जो है वो अपने आप को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा अगर आउटर लूप की तीन आइट्रेशन होंगी तो इनर लूप अपने आप को तीन दफा जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा अगर हमारे पास आउटर लूप की फोर आइट्रेशन होंगी तो इनर लूप जो है वो चार दफा अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूं आप लोगों को मैं यहां पर आउटर लूप की आइट्रेशन जो है वो बढ़ा देता हूँ तीन अब इनर लूप जो है वो तीन दफा कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा आप देख सकते हैं कि आउटर लूप की तीन आइट्रेशन करने पे इनर लूप तीन दफा अपनी आइट्रेशन कंप्लीट कर रहा है वन टू थ्री वन टू थ्री और उसके बाद वन टू थ्री इस तरह आप एक लूप को दूसरी लूप के अंदर लिख सकते हैं और इस फॉर्म को हम लोग नेस्टेड लूप जो है वो कहते हैं अब आपकी बुक से रिलेटेड जो है एक प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम है जी हमारे पास सिक्स पॉइंट पॉइंट ट्वेंटी और इस प्रोग्राम के अंदर वो कह रहा है कि जी ये एक पैटर्न बना हुआ है आपने ये पैटर्न कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना है अब पैटर्न क्या है हमारे पास ये एक डायग्राम सी है जब भी आपने पैटर्न ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसकी लॉजिक जो है वो अपने जहन के अंदर बनानी है आप सबसे पहले काउंटिंग करेंगे करेक्टर्स की जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं जिसके आपने बनाने हैं जिस पैटर्न के आपने फॉर्म करना है अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न है इसकी फर्स्ट लाइन के अंदर सेवन स्टार्स हैं इसी तरह जो सेकेंड लाइन है उसके अंदर सिक्स स्टार्स हैं हमारे पास जो थर्ड लाइन है इसके अंदर फाइव स्टार है इसी तरह हर दफा जो है वो एक स्टार की तादाद जो है वो कम होती जा रही है जिससे हमारे पास ये पैटर्न जो है वो बनेगा अब ये पैटर्न बनाने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप जो है वो इस्तेमाल करेंगे और ये नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह से इस्तेमाल की गई है ये मैं आप लोगों को बुक की एग्जाम्पल से करवाता हूँ अच्छा ये एग्ज़ाम्पल देखने से पहले ये देख लें कि हमारे पास टोटल ये नंबर ऑफ लाइन जो हैं इनकी तादाद सेवन है ठीक है हमने फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर सात स्टार जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सेकेंड आइट्रेशन में सिक्स थर्ड आइट्रेशन में जो हमारे पास फाइव होने चाहिए इसी तरह फोर्थ के अंदर हमारे पास थ्री स्टार्स और इन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग दो लूप्स इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है फिर हमारे पास मेन फंक्शन आ जाता है मेन फंक्शन के अंदर पहले दो इंटीजर वेरिएबल बनाए गए हैं एक आई और दूसरा जे ये आई जो है वो मैं आउटर लूप के लिए इस्तेमाल करूंगा जे जो है वो इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा तो सबसे पहले जो मैं फॉर लूप है एक वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी तरह एक वाइल लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें मैंने दोनों ए, एक जैसी टाइप की लूप इस्तेमाल की थी लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एक उसने फॉर लूप इस्तेमाल किया एक वाइल लूप इस्तेमाल किया इसलिए मैं भी ये ये ही इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छा जी उसके बाद सबसे पहले हमने ये देखना है कि डायग्राम जो है वो क्या है डायग्राम में हमें सबसे पहले सेवन लाइंस जो हैं वो रिक्वायर्ड है ठीक है तो हमारी आउटर लूप जो है हम उसकी वैल्यू जो है वो सेवन करेंगे हमने फॉर लूप लिखा आई की वैल्यू वन से स्टार्ट की आई लेस देन इक्वल टू सेवन और इसी तरह हमने साथ इसके इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर लिया ये हमारी आउटर लूप की जो है वो बॉडी स्टार्ट हो गई अब जो हमने नेक्स्ट दो वेरिएबल्स बनाए थे इसमें एक आई था आउटर लूप को कंट्रोल करने के लिए और हमारे पास जो जे था ये इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने जे को आई की वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद हम लोगों ने वाई लूप की कंडीशन लिखी वाइल लूप लेस देन इक्वल टू सेवन यानी जब तक जे की वैल्यू सात या सात से कम रहेगी तब तक जो है ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये स्टार्स जो हैं या फिर ये करैक्टर जो हैं वो डिस्प्ले करवाता जाएगा और उसके बाद हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल कर दिया अब हमारे पास इनिशियली आई की वैल्यू है हमारे पास वन ठीक है यानी कि हमारे पास आउटर लूप की आइट्रेशन जो है वो वन है और जो भी वैल्यू होगी वो जे को असाइन हो जाएगी जे की वैल्यू भी हमारे पास वन हो गई इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली वायर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई वायर लूप की कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टार डिस्प्ले हो जाएगा फिर दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास जे की वैल्यू टू हो गई और कंडीशन दोबारा से ट्रू और फिर दोबारा से हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर स्टार डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह ये इनर लूप जो है वो सात दफ़ा अपने आप को रन करेगी सात दफा ये कंडीशन ट्रू होगी और हमारे पास सेवन स्टार्स जो हैं वो पहली लाइन के अंदर अपीयर हो जाएंगे हमारे पास पहली लाइन के अंदर सेवन स्टार्स अपीयर हो गए और आठवीं दफा जब जे की वैल्यू एट हो जाएगी हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा कंट्रोल इससे बाहर मूव करेगा इससे बाहर जैसे ही मूव करेगा मैंने यहाँ पर एक नेक्स्ट जो है वो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया मैंने लिखा है आउट स्लैश एन इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो भी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट लाइन के अंदर होगी ठीक है क्योंकि अब ये मेरे पास सेवन स्टार्स जो हैं वो पहली लाइन के अंदर डिस्प्ले हो चुके हैं अब नेक्स्ट जो मैंने स्टार्स अपने पैटर्न के हिसाब से ड्रॉ करने वो मैंने, तो मैंने यहां पर लिख दिया आई की वैल्यू मेरे पास हो गई टू आई की वैल्यू टू हुई जे को आई की वैल्यू असाइन की जे की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू अब जे की हमारे पास इनिशियल वैल्यू टू आ गई दोबारा से जे की वैल्यू टू होने की वजह से फिर दोबारा से वाइल लूप जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा लास्ट टाइम जे की वैल्यू वन से स्टार्ट हुई थी इस दफा जे की वैल्यू टू से स्टार्ट हुई है तो इस दफा हमारे पास जो लाइन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ स्टार्स जो डिस्प्ले होंगे उनकी तादाद होगी छः क्योंकि हमारे पास आइट्रेशियस जो, जो, जो है वो छे हैं इसी तरह ये लूप जो है छ दफा जो है सेकेंड लाइन जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा फिर हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंस जो है कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवाएगा हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होगी फॉर लूप की अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री ठीक है जैसे ही आई की वैल्यू थ्री होगी जे को भी वैल्यू असाइन होगी थ्री और इस दफा लूप जो है वो पांच दफा आइट्रेट करेगा जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर फाइव स्टार्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे इस तरह आई जो हमारे पास आउटर लूप है इसमें आई की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी यहाँ तक कि आई की वैल्यू हमारे पास सेवन हो जाएगी जब हमारे पास आई की वैल्यू सेवन होगी जे को वही वैल्यू असाइन होगी जे की वैल्यू सेवन हम वायल लूप के अंदर कंडीशन चेक करेंगे जे की वैल्यू सेवन होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू होगी और एक ही दफा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये लास्ट वाला स्टार जो है वो अपीयर होगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी यानी आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एट जब हमारे पास आउटर लूप की वैल्यू एट हो जाएगी तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है आई लेस देन इक्वल टू सेवन ये भी फॉल्स हो जाएगी जिसकी वजह से आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा जब आउटर लूप टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली इनर लूप के पास नहीं जाएगा बल्कि वो आउटर लूप की वजह से नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल यहां पर इस लूप के एंड पे मूव कर जाएगा और अगर कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी तो उसे एग्जीक्यूट करेगा ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा नेस्टेड लूप से पैटर्न्स ड्रा करने के लिए अब मैं इसे रन करके चेक करवा देता हूँ अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे रन किया कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वो पैटर्न जो हम ड्रा करना चाहते थे वो अपीयर हो गया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पैटर्न्स जो हैं वो ड्रा करेंगे